चलो हम लोग पढ़ रहे थे रेजिस्टेंस के बारे में, है ना। रेजिस्टेंस के बारे में मैंने क्या बताया था, यह कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर भी दो प्रकार का होता है, फिक्स्ड रजिस्टर और वेरिएबल रजिस्टर। फिक्स्ड रजिस्टर और वेरिएबल रजिस्टर। उसके बाद मैंने बताया था कि भैया नॉन लीनियर रजिस्टर जो है थर्मिस्टर, फोटो रजिस्टर, जिसे को हम क्या बोलते हैं, एलडीआर। उसके बाद वेरिस्टर, सरफेस माउंट, ये सब किस में आते हैं? नॉन लीनियर। और वेरिएबल में ये तो सब चीज़ आ गए, लीनियर में क्या आएगा? फिक्स्ड और वेरिएबल, वेरिएबल रजिस्टर, वेरिएबल रजिस्टर और फिक्स्ड रजिस्टर, ठीक है। इसमें हमने देखा था वेरिएबल में पोटेंशियोमीटर, रियोस्टेट और इसके बाद मैंने इसमें बताया था कार्बन रजिस्टर के बारे में। अब लीनियर क्या होता है? जो रजिस्टर ओम के नियम का पालन करेगा, जो ओम के बातों को मानेगा। जैसे तुम मोर बात मानता है ना, तो उसे क्या बोलेंगे? आज्ञाकारी शिष्य। नहीं मानेगा उसको? नॉन लीनियर, ठीक है। अरे ठीक ठीक। उसके बाद मैंने बताया था, देखो लीनियर और नॉन लीनियर। तो जो ओम के नियम को फॉलो करता है उसे क्या बोलेंगे? और जो नहीं फॉलो करेगा उसे नॉन लीनियर। उसके बाद बताया था मैंने कार्बन रजिस्टर के बारे में। तो कार्बन रजिस्टर में हमने देखा था कि कलर कोडिंग इस पे हम यूज करते हैं। कलर कोडिंग में क्या क्या चीज होता है? इस तरीके से ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड, ये सब टॉलरेंस को बताता है कि इसमें प्लस माइनस वेरिएशन कितना है, वेरिएशन कितना आ रहा है, 5%, 10%, 20%, है ना। तो इसको याद रखने के लिए हमने क्या बताया था, एक ट्रिक बनाया था, बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, है ना। आने के काला छन लगे, तकलीफ तो हमने मरी थे कैसे यार है ना। तो देखो इसमें पहला कलर फर्स्ट डिजिट को बताएगा, दूसरा कलर, तीसरा कलर मल्टीप्लायर होता है वो 10 के घात को बताता है। कुछ नहीं है, देखो गिनती, बी बी रॉय 0, 1, 2, 3, 4, फिर जी से ग्रीन ब्रिटेन, बी से ब्लू हैज, वी से वायलेट, जी से ग्रे वाइफ, है ना। ठीक, ट्रिक अब पुराना हो गया, ब्रिटेन के बने घादरी से था हम उनका, है ना, भारत का बन ठीक है कैसे जी, भारत के उनका मैं का नहीं ठीक हाथ कैसे बता। 0, 1, 2 देखो वही छे, बस बी के जगह 0, फिर बी के जगह 1, ब्लैक, ब्राउन, फिर रेड, ऑरेंज, येलो, फिर ठीक 0 से लेकर कहाँ तक? 9, बस इसको याद रखना है। ठीक, अब इसको देखो, फर्स्ट डिजिट क्या है? ऑरेंज, ऑरेंज है तो 3, ऑरेंज है तो किसको लेंगे? 3। अब सेकंड डिजिट क्या है? ब्लू, ब्लू का 6, तो ये हो गया 3, 6। उसके बाद जो तीसरा कलर होगा वो किसको बताएगा? 10 की घात को बताएगा। तो ब्राउन है तो 1, है ना, ठीक है, भूरवा, तो गाना भी आ रही सब ब्राउन मुंडे ठीक भूरवा टुरा, हाँ मैं गात रहा हूँ, मतलब पंजाबी वाले मन काफ़ी करते हैं मन, भारी फेमस हो गई से। टॉलरेंस कितना है जी? 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. गोल्ड है तो प्लस माइनस 5, सिल्वर करके कलर रहेगा तो, और कोई कलर नहीं रहेगा तो 20%। और देखो आगे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ये देखो, अब 3 रहेगा तो कैसे बनाएंगे और 4 रहेगा तो कैसे बनाएंगे कलर कोडिंग? कल हमने प्रैक्टिकल भी किया था, है ना, प्रैक्टिकल भी किया था। आज हम सीरीज और पैरेलल के भी रेजिस्टेंस को कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखेंगे इसके बाद। तो देखो, अगर 3 कलर रहेगा तो देखो, ये ब्लू है तो 6, फिर ग्रे है तो 8, फिर 10 की घात रेड है तो 2, तो 6, 8, 10 की घात 2 बराबर कितना हो गया? 6, 8, 0।
इसको किलो में चेंज कर दिया तो 6.8 किलो ओम। आया सबको समझ? पूछे ठीक, कल को नहीं आया था? मैं काम नहीं आ रहा है, तबीयत मोरू ठीक नहीं है, मैं गोली खा के आया। कहता दूर ले रहे चापा ले फिर मत करना यार। देखा इधर, अब देखो यहाँ पर कितने कलर हैं? पांच। पांच के लिए कहानी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ तीन डिजिट लेंगे, देखो ये येलो का 4, वायलेट का 7, फिर ब्लैक का 0, फिर जो चौथा कलर होगा वो 10 की घात में जाएगा। ऑरेंज है तो 10 की घात 3, तो कितना हो जाएगा? 470 किलो ओम। लास्ट वाला टॉलरेंस का बताएगा ये वाला, तो ये कितना है प्लस माइनस ब्राउन के लिए 1%, ये इसको ऐड कर लेना, ग्रीन रहेगा तो 0.5%, वायलेट रहेगा तो प्लस माइनस पॉइंट, तो ये कम होते आ रहा है। देखो ध्यान दो, 0% जी कोई कलर नहीं है, 20, फिर 10, 5, 1, इस तरीके से। चलो इसको ट्राई करो, बना लिए थे? ठीक, आगे बढ़े। ठीक, तो ये सब हमने देख लिया है ना, इसका बना दिए थे अपना कितना आया था 5×10⁶ प्लस माइनस 5%, इतना आ गया क्लियर। अब इसके आगे हमको देखना है आज सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ही बना, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में संयोजन से क्या होगा। इसके पहले मैंने आपको बताया था किरचाप के नियम, चलो एक मिनट रिविजन कर लेते हैं सब किरचाप के नियम को। हाँ, यहाँ से चालू करते हैं एक बार ओम के नियम से। तो ओम भैया कहा के थे, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था ताप दाब आयतन में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित धारा अनुक्रमानुपाती होते किसके? करंट। तो यहां से हमने एक प्रोपोर्शनलिटी को हटाया था, तो कांस्टेंट मिला था क्या? R, तो V बराबर R I, तो यहां से R बराबर क्या हो जाएगा? V by I, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? ओम। ओम बताओ, जय श्री रामू। इन ये हमारे विद्यार्थी हैं पॉलिटेक्निक कॉलेज जांजगीर के, आशीष और सूरज, इनका सिलेक्शन हुआ है। बताओ यार कहाँ हुआ है? जय डब्लू स्टील वर्क्स पूरा डोलबी महाराष्ट्र, जिंदल स्टील डोलबी महाराष्ट्र में इनका सिलेक्शन हुआ है। इन सभी के लिए बहुत तालियां जोर से। ये आप ही कॉलेज से पढ़ के निकले हैं, तो आपको भी पढ़ के इसी तरीके से अच्छे कंपनी में जॉब लगाना है अपने सीनियर की तरह, तो इनसे आज आप इंटरेक्शन करेंगे और जो भी सवाल जवाब होगा उनको करेंगे, ठीक है? इधर कुछ समय के बाद, ठीक सर, सर, आइए मिलके, है ना? ठीक, चलिए चलिए। तो हमने देखा था इसका रेजिस्टेंस भी बराबर आई है, है ना? तो इसका ये मात्रक बताया था ना, तबेलिया टाइप से रही थे, तबेलिया खपल के रख दे बेटा, इसने उल्टा तबेलिया आया, कुछ नहीं है ना, हर जगह जहाँ पर देखोगे वहाँ के इंजीनियरिंग है। अब ग्रीक वाला मन कहीं कुछ सिंबल बनाते हैं तो उल्टा तबेलियल बना दीजिए ना, कुछ नहीं पैसे में, तो वी बराबर आई आर, तो इसे मिलियोम में हो सकता है, मिलियोम, माइक्रो ओम है ना छोटे वाले, और बड़े वाले किलो ओम, मेगा ओम, इस तरीके से हम देखते हैं, ठीक है? इसके बाद हमको देखना है इसका सिंबल प्रतीक चिन्ह कैसे रहता है, उबड़ खाबड़ इस टाइप से है ना, जहां पर भी उबड़ खाबड़ देखो रेजिस्टेंस बोल देना। अब देखते हैं हम इसी को जोड़ते कैसे हैं, इसके लिए हमने नियम बताया था किसका? किरचाप के नियम। तो किरचाप के नियम क्या बताया था मैंने? किरचाप भैया एक दिन बाथरूम में बैठे थे है ना,
बाथरूम बैठे थे तो क्या हुआ था वहाँ पर? तो वहाँ पर क्या किया उन्होंने? एक लीटर पानी एमल डालीस, एमल एक लीटर डालीस, तो कितना आगे करा? तो भारी खुश, नया नियम बनाया हूँ, कहा भारी मरी सुगर दाई, तमाशा बनकर ठंड है नहा गया, ठीक। तो यहाँ कितना आएगा? 2 लीटर। तो यहाँ से नियम बना भैया, जितना इनकमिंग करेंट होगा उतना ही तो आउटगोइंग करेंट होगा सर। तो ये किरचाप का पहला नियम क्या बोलता है? किसी संधि पर समस्त धाराओं का योग शून्य होता है। द एल्जेब्रिक सम ऑफ करेंट मीटिंग एट एनी नोड इज 0। आया समझ में? इसके बाद मैंने बताया था कि भैया आई बराबर क्या होता है? आवेश प्रवाह की दर को ही धारा कहते हैं, तो क्यू बाई टी। तो यहां से टी सबसे मिलके 0 हो गया। आई वन आ रहा है इनकमिंग पॉजिटिव और आउट गोइंग निगेटिव, आने वाले को प्लस और जाने वाले को माइनस, है ना, ठीक। तो ये टी इक्वल टू 0 हो गया। तो समेशन ऑफ क्यू बराबर 0। तो यहां से हमने क्या समझा? ये आवेश संरक्षण का नियम। आएंगे मेरे करण अर्जुन आएंगे, चिंता मत करो, तुम लोग इधर देखो, आसमान पे देते आवेश करियो मन आएंगे। आवेश संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम है सर। किसका नियम है? आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है, बस उसका एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, या एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर किया जाता है सर। इसका दूसरा नियम क्या बताया था मैंने? किरचाप का वोल्टेज का नियम। ये क्या बोलता है? किसी बंद परिपथ में एनी क्लोज लूप एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ से 0। किसी बंद लूप में उपस्थित समस्त विद्युत वाहक बलों, प्रतिरोधों और संगत धाराओं के बीजगणितीय योग का मान शून्य होता है। किसी संधि पर उपस्थित, एक बार फिर देखो, समस्त विद्युत वाहक बल, प्रतिरोध और उनके करंट के गुणनफल का बीजगणित योग शून्य होता है। आया समझ? तो देखो अब इसका तरीका क्या बताया था? माइनस से प्लस जाएगा तो राइज, बढ़ रहा है तो राइज, तो प्लस, अब प्लस से माइनस जाएगा तो ड्रॉप, माइनस। इसी को याद रखना है, इसमें इतने में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग खत्म हो जाता है, ओम्स लॉ और केसीएल। इसको अगर ध्यान से केसीएल केवीएल ओम्स लॉ को पढ़ लिए, प्रतिरोधों के बारे में जान गए, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं रहता है ना, धीरे धीरे करके पढ़ेंगे इसमें। तो इसके बाद क्या बताया था मैंने? वी, अभी देखो इधर, वी माइनस से प्लस तो प्लस, प्लस से माइनस तो माइनस, फिर ये प्लस से माइनस, फिर प्लस से माइनस माइनस। अब वी बराबर क्या होता है? विभव बराबर, बताया था ना, क्या बताया था? विभव बराबर एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए किया गया कार्य, तो डब्ल्यू बटे क्यू। औसत का बस आ ह्यूमन, चिंता मत कर, है ना, डब्ल्यू डब्ल्यू ही समेशन हम डब्ल्यू बराबर 0। और कार्य ही क्या है सर? ऊर्जा है। कार्य ही क्या है? ऊर्जा। तो ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है, नहीं बस उसका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। आया समझ? क्लियर सबको? यस सर। ठीक ठीक, चलिए अब प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में समझेंगे हम लोग, कि प्रतिरोध को जोड़ने से क्या होगा, क्या होगा जोड़ने से? दो प्रकार से जोड़ सकते हैं सर प्रतिरोधों का संयोजन। हेडिंग डालिए प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन
ऑफ रजिस्ट, प्रतिरोधों का संयोजन। कैसे हम प्रतिरोध को जोड़ते हैं, देखिए अब ध्यान से इधर है ना कि भैया प्रतिरोध को जोड़ेंगे कैसे। तो देखो एक प्रतिरोध है ये, इस तरीके से मान लेता हूं ये हमारा R1 है, इस तरीके से यहां पर दूसरा प्रतिरोध है ये मैं मान लेता हूं क्या है मेरा R2 है। तो ये इसका पहला सिरा और ये दूसरा सिरा, ये पहला सिरा और ये दूसरा सिरा। तो श्रेणी क्रम में संयोजन कब बोलेंगे, जब दूसरे पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा को हम जोड़ लें। तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम में संयोजन। क्या बोलते हैं इसको, श्रेणी क्रम में संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, सीरीज कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन, ठीक समझ गए, ठीक सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसमें क्या होगा, कुछ नहीं भैया, आल टोटल जब भी आपसे पूछेगा तो डायरेक्ट क्या कर देना है हमको, जोड़ देना है R1 प्लस R2 प्लस R2 जो भी रहेगा, यहां दो जने ठीक, तो यहां दो जने तो दो, n टाइम्स रहेगा तो n। चलो नोट करो जल्दी से, चलिए तो ये हो गया हमारा श्रेणी क्रम में संयोजन है ना। अब इसी को हम क्या करेंगे, n रजिस्टर्स कनेक्टेड है सर, इसी में कितने रजिस्टर हैं, n रजिस्टर, बहुत सारे मान लेता हूं n सो ऑन कहां तक है, rn, rn रजिस्टर है। तो क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं करेंगे भैया, सीधा क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे सर, सबको जोड़ देंगे। आर वन प्लस आर टू प्लस क्या हो जाएगा, प्लस आर थ्री एंड डॉट डॉट आर एन, सबको जोड़ देंगे। अब मान लेते हैं कि सब के सब क्या हो गए, बराबर हो गए सर, बराबर हो गया आर टू बराबर आर थ्री एंड सो ऑन आर एन, बराबर मान लेता हूं क्या है मेरा आर, सभी प्रतिरोध बराबर है ठीक। अब आगे तो क्या हो जाएगा आर टोटल, जैसे देखो अगर दो आर है तो आर प्लस आर मिलके कितने हो जाएंगे, तीन आर कहते भाई, दो है तो दो होगा ना, दो है तो दो आर, उसी तरीके से एन है तो एन आर। चलिए नोट कीजिए सर, एन है तो एन आर, अगर आर वन आर टू आर थ्री एंड सो ऑन आर एन है तो क्या हो जाएगा, एन टाइम्स ऑफ आर। आया समझ सबको, yes,